इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के पंडारा रोड पर, और जो आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं ये राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनके घर के ठीक बाहर की है। आप देखेंगे गद्दे सोफे तमाम चीज़ें जो हैं वो यहां पर लाई गई है। और कहां से आए हो, दिल्ली से ही बाहर से? मैं बाहर से। कहां से? मैं अभी तो कहां से आए, जौनापुर दिल्ली। तो ये क्या क्या लेके आए, गद्दे तक वगैरह? हाँ गद्दे तक भी। क्या पता है कि अंदर क्या तैयारी हो रही है? मुझे नहीं पता, वैसे आई डोंट नो। इनको ज़्यादा बतानी है और कार्यक्रम भी काफ़ी ऐसा रखा गया है कि ज़्यादा लोगों ने पता लगे। तो आपको बता दें कि तस्वीरें मनीष दिखाते रहिए, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा वो और जो अभिनेत्री है प्रणीति चोपड़ा उनकी 24 तारीख को उदयपुर में शादी है। और आप सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं ये राघव चड्ढा का आधिकारिक आवास है, और यहाँ देखेंगे तो सिक्योरिटी का यहाँ पर प्रबंध किया गया है और बहुत ही प्राइवेट पूरे कार्यक्रम को रखा गया है कि किसी भी तरीके से जो चीज़ें हैं बाहरी गेस्ट जो भी होंगे उनका इस तरफ दखल नहीं होगा। केवल बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो आपको बताएं कि 17 तारीख को, सितंबर को परिणीति चोपड़ा जो हैं वो दिल्ली आई थी, स्पॉट की गई थी, और अब यहाँ पर शादी से पहले के जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म किया जा रहा है। और देखिए सजावट के लिए किस तरीके से सामान यहाँ पर लाया जा रहा है, और बड़ी लोगों की इसमें दिलचस्पी है कि किस तरीके से राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा जो हैं उनकी शादी को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं। हालांकि कार्यक्रम को बड़ा ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक दिन पहले अरदास का कार्यक्रम था। अब म्यूजिक सिस्टम देखेंगे तो ये यहाँ पर सूफी कार्यक्रम जो है उसका यहाँ पर आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि इन तमाम रिचुअल्स के बाद में 23 तारीख को परिणीति और जो राघव चड्ढा हैं वो उदयपुर चले जाएंगे, और 24 सितंबर को उदयपुर के लीला पैलेस में उनकी शादी जो है वो रखी गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि बेहद ही सिलेक्टिव जो लोग हैं उनको ही उसमें इनवाइट किया गया है। और देखिए सिक्योरिटी के प्रबंध आप देखेंगे तो किस तरीके से, मुझे जरा दिखाइए, जो अंदर कारीगर भी जा रहे हैं तो उनकी भी पूर्ण यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। बाहर आप देखेंगे जिस तरीके से पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं राघव चड्ढा, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका यहाँ पर लगाया गया है। पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी आपको नज़र यहाँ पर आएंगे। कुल मिलाकर देखें तो इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है, लेकिन जो मेरे सूत्र बताते हैं वो ये कि 17 सितंबर को परिणीति जो हैं वो दिल्ली आई, और तभी से तमाम जो रस्में हैं मेहंदी से लेकर के अरदास का कार्यक्रम, अब जो बात करें तो सूफी नाइट का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें केवल जो परिवार के बेहद करीबी लोग हैं, चाहे बात करें राघव चड्ढा की परिणीति की, उन्हीं को केवल उसमें इन्वाइट किया गया है। और जब 24 सितंबर को उदयपुर के लीला पैलेस में शादी होगी तो उसमें ज़रूर बताया जा रहा है कि तकरीबन 250 जो मेहमान हैं उनको बुलाया गया, जिसमें से 50 जो मेहमान हैं वो VVIP हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत जो हैं कई हॉलीवुड की बड़ी जो हस्तियां हैं बॉलीवुड की, माफ़ कीजिएगा, उनको भी इसमें इनवाइट किया गया है। और ऐसे में कार्यक्रम यह पूरी तरीके से जो तैयारी वो चल रही है, तो जिस तरीके से एक संशय बना हुआ था कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा कब शादी के बंधन में बंधेंगे, तो अब उससे पूरी तरह पर्दा हट चुका है और ये आधिकारिक आवास जो है वो है राघव चड्ढा का, और यहाँ पर जो तमाम जो रिचुअल्स हैं शादी से पहले के उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। इन सब कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद 23 सितंबर को परिणीति और राघव चड्ढा जो हैं वो उदयपुर पहुंचेंगे, और वहां पर वो जो है शादी के बंधन में बन जाएंगे, जिसके बाद रिसेप्शन का भी कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें खास मेहमानों को दावत दी जाएगी अपने विश्व की। मनीष भल्ला के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।